अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में जो अपने पहले देखी हो एनएलपी और रेकी और बहुत सारे और टॉपिक्स के बारे में बताया, आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जिस टॉपिक पे हर एक का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट भी नहीं बल्कि शौक होता है। कुछ लोग इंक्विजिटिव होते हैं और वो है अपनी इंट्यूशन को, यानी अपनी छठी हिस को आपने कैसे डेवलप करना है, जिसको आप इंट्यूशन का भी नाम देते हैं या आप कहते हैं ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम गॉड गिफ्टेड हैं और हमें ये इंट्यूशन है कि हम आने वाले वाकयात के बारे में प्रडिक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत शौक है कि हम अपनी इंट्यूशन को, अपनी सिक्स सेंस को या अपनी थर्ड आई को ओपन करें। तो मैं भी जो थी, मेरे में भी आप कह लें कि थोड़ी बहुत ही इंट्यूशन थी, बट फिर मैंने कहा कि मैंने इसको डेवलप करनी है। तो मैंने बहुत सारे अपने कोर्सेस किए इसको डेवलप करने के लिए, ब्रीदिंग के कोर्सेस किए, मराकबा जिसको हम मेडिटेशन का कहते हैं वो किया, और बहुत सारी चीज़ें की, उनको कंपाइल करके फिर मैंने अपना एक कोर्स बनाया एंड दिस इज नोन एज ओपनिंग टू द थर्ड आई। इससे हम आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल यू अबाउट ब्रीदिंग, बिकॉज ब्रीदिंग इज़ द की टू ओपनिंग द थर्ड आई। जब आप ब्रीद करते हैं तो आपकी जो सारी थाट्स हैं वो डाई डाउन होती है और आपका माइंड जो होता है वो स्टिल होता है और फोकस्ड होता है। बिकॉज जब तक आपका माइंड स्टिल और फोकस होके एक पॉइंट पे नहीं आएगा, आपकी जो ओपनिंग ऑफ थर्ड आई है वो नहीं हो सकती। विच मीन्स दैट योर इंट्यूशन कैन नॉट बी ब्रॉट अप अनलेस एंड अंटिल यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स। देन कम्स मेडिटेशन। मेडिटेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। आई हैव डन बेसिक मेडिटेशन विच मीन्स सिंपल मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग इवन। देन आई डन ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन इज चैंटिंग ऑन अल्लाहज नेम। फिर आपकी साहज मेडिटेशन आ जाती है। ना साहज मेडिटेशन इज अ मेडिटेशन दैट मंत्रा अ वर्ड इज गिवन टू यू बाई योर टीचर, और आप उसको चैंट करते हैं और अपनी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन अचीव इट फॉर योर प्रॉब्लम्स, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, टू इम्प्रूव योर सिक्स सेंस और एनी थिंग एट ऑल। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपके बहुत काम आती हैं। एंड ऑल्सो वी टेल यू हाउ टू डील विद नेगेटिव एनर्जीज ऑफ द पीपल, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर हाउस इवन। हम आपको टेलीपैथी में ये भी बताते हैं कि आपने हाउ टू सेंड योर मैसेज अक्रॉस पर्सन, जिसको हम रिमोट सेंसिंग का नाम देते हैं। रिमोट सेंसिंग इज आप अपनी थॉट्स दूसरे को भेजते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं हाउ टू यूज़ योर माइंड पावर। माइंड पावर होता है लोगों को हील करना, किसी को मेंटल मैसेज भेजना, जिसको हम मेंटल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। सो वी ऑल्सो टेल यू दैट, वी ऑल्सो टेल यू कि अपनी ड्रीम्स के जरिए, ख्वाबों के जरिए आप किस तरह अपनी चीज़ों का या अपने किसी सवाल का आंसर ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेल यू अबाउट डिफरेंट क्रिस्टल्स। अगर आप देखें तो मैंने ये एमेट्रिन पहना हुआ है। नाउ दिस इज एमेट्रिन, दिस इज नॉट एमेथिस्ट। इट इज़ पर्पल एंड येलो इन कलर। पर्पल इज अ कलर फॉर इंट्यूशन एंड येलो इज अ कलर फॉर इमोशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इट प्रोटेक्ट्स मी येट इमोशनली इट बैलेंसेज मी। फिर आप देखेंगे मैंने फल्लाह खैरुन हाफिजों की रिंग पहनी हुई है। सो इट प्रोटेक्ट्स मी। यहाँ मैंने डायमंड पहना हुआ है। नाउ इट इज अ क्लस्टर, इट इज नॉट अ कैरेट, अ सिंगल और थ्री और फोर कैरेट, इट इज अ क्लस्टर। जब क्लस्टर और डायमंड्स का, दैट इज बेटर एज कम्पेयर टू डिफरेंट कैरेट्स। जैसे आप नीलम के बारे में कहते हैं कि किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता। सो वी टेल यू हाउ क्रिस्टल्स, थ्रू क्रिस्टल्स, जैसे एमेथिस जो है वो आपकी इंट्यूशन डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। अकीक जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट स्टोन था और हीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम आपको क्रिस्टल्स के जरिए कैसे आपने अपनी इंट्यूशन को उजागर करना है वो बताते हैं और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कराते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग एंड ओपनिंग देयर थर्ड आई, प्लीज़ गेट इन टच विद अस थ्रू www.mariamhealingcenter.com और info@mariamhealingcenter.com।